नमस्कार दोस्तों, प्रेशा एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस प्लान या टर्म प्लान पे हम लोगों के बहुत सारे वीडियोस हैं। इंश्योरेंस पे, लाइफ इंश्योरेंस पे भी बहुत सारे वीडियोस हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होगी उन पे हमारे वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो एनआरआई हमारे भाई बंधु हैं वो कैसे इंडिया में टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं, क्योंकि बहुत से मेरे जो व्यूवर्स हैं वो एनआरआईज हैं और उन लोगों के कमेंट्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं कि सर हम टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, लेकिन हम टर्म इंश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है, क्या एनआरआईज एलिजिबल है टर्म इंश्योरेंस लेने के लिए या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एनआरआई जो है वो इंडिया में टर्म इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं। दोस्तों, उनके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे दो प्रोसीजर हैं। दो प्रोसीजर के थ्रू आप टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। पहला ये है, जब भी आप इंडिया में आते हैं तो आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि बाकी जो सिटीजन्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं, ठीक उसी तरीके से आप भी यहाँ पे अपने टर्म इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है, अगर आप इंडिया में नहीं आते हैं, किसी कारण से आपका फैमिली वहीं सेटल हो गया है, हालांकि आप अभी भी इंडियन सिटीजन है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या करते हैं, आपके लिए ऑप्शन रहता है वाया मेल ऑर्डर। मेल ऑर्डर एक ऐसा ऑप्शन है जो उन एनआरआईज के लिए है जो उसी कंट्री में रहते हुए एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है वो इंडिया में लेना चाहते हैं, तो वो मेल ऑर्डर के थ्रू टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। लेकिन मेल ऑर्डर में क्या होता है, थोड़ा प्रोसीजर होता है, थोड़ा लेंथी होता है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वहां की इंडियन एम्बेसी के अंडर आपको करवाना होता है, और एक नोटरी के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने होते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या चीजें चाहिए, तो आप कौन सी सम एश्योर्ड का ले सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, एनआरआईज के लिए सम एश्योर्ड होता है वो कम रखा गया है, 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का टर्म इंश्योरेंस रहता है। हालांकि अगर हम एलआईसी की बात करते हैं तो वहां पे आपको 3 करोड़ तक का सम एश्योर्ड मिल जाता है। बाकी आप इंश्योरेंस कंपनी से बात कर सकते हैं, अपना जब प्रपोजल फॉर्म भरेंगे तो वो वहां पे आपको बता सकते हैं कि आपका मैक्सिमम सम एश्योर्ड होगा वो कितना जा सकता है। नॉर्मली मेल ऑर्डर की मैं बात करता हूँ, मेल ऑर्डर में 2 लाख से लेके 1 करोड़ तक का सम एश्योर्ड यहाँ पे मिलता है आपको। अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात करता हूं तो आप कम से कम 6 महीने का पॉलिसी ले सकते हैं। मैं सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनका दोस्तों यहाँ पे ले रहा हूँ पीरियड। कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 साल से कम का नहीं देगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं 6 महीने का तो भी भारत में ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज है जो आपको 6 महीने का टर्म इंश्योरेंस प्लान भी देगा अगर आप एनआरआई हैं, और मैक्सिमम आप जो टर्म प्लान है वो 30 साल तक का ले सकते हैं। यानी अगर आपकी उम्र आज 20 वर्ष है तो आप 30 वर्ष का, यानी जब तक आप 50 वर्ष के होंगे तब तक का लिए आपका टर्म प्लान रहेगा। अगर हम एंट्री एज की बात करते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ इंश्योरेंस कंपनीज आपको 65 वर्ष की उम्र तक टर्म इंश्योरेंस प्लान दे देती है, आप एनआरआई है तो भी। हालांकि मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो 55 वर्ष से बड़े एनआरआई को टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं देती है। अगर हम प्रीमियम की बात करते हैं दोस्तों, तो आप ऑनलाइन प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्या है, वो इंश्योरेंस कंपनी आपको स्पेसिफाइड बैंक बताएगी, उस बैंक में आपका अकाउंट होगा तो ही आप ऑनलाइन प्रीमियम का पेमेंट कर पाएंगे। लेकिन आप पेमेंट का मोड फॉरेन रेमिटेंस जो है उसके थ्रू भी कर सकते हैं, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको एनआरओ या एनआरई अकाउंट जो है उसके थ्रू आप रेमिटेंस के थ्रू आप जो प्रीमियम पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स में आपको, अगर आप एनआरआई हैं और आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए जो डॉक्यूमेंट है, पहला है अटेस्टेड कॉपी ऑफ पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट होगा उसकी एक जेरोक्स निकलवानी है और उसको अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा। साथ ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म या प्रपोजल फॉर्म जो बोलते हैं वो आपको भर के देना होगा, और अपनी एज प्रूफ के लिए, हालांकि पासपोर्ट एज प्रूफ के लिए एक्सेप्टेड होता है, उसके अलावा आप एज प्रूफ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, 10th क्लास का मार्कशीट दे सकते हैं आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आप पैन कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, और भी एज प्रूफ की डॉक्यूमेंट्स है जो आप दे सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो आपकी हेल्थ कंडीशन को स्पेसिफाई करेंगे,
अगर आप ऑनलाइन टर्म जैसा मेल ऑर्डर के थ्रू अगर आप टर्म प्लान लेते हैं जब आप इंडिया में नहीं है, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है, एक डिटेल्ड क्वेश्चनर आपको भेजा जाता है, वो क्वेश्चनर आपको भर के देना होता है। साथ ही साथ आपको एक ऐसा क्वेश्चनर दिया जाता है जो आपको किसी वहां के मेडिकल प्रैक्टिशनर के थ्रू भरवाना पड़ेगा, वो साइन करेगा, नोटरी साइन करते हैं ताकि आपको मेडिकल जो हेल्थ कंडीशन है वो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल सके। इनकम की बात करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ इनकम प्रूफ है वो इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा, बिना इनकम प्रूफ के आपको इंश्योरेंस कंपनी है पॉलिसी नहीं देगी। और उसके बाद आपको क्या है, जब भी आप इंश्योरेंस बाय कर लेंगे तो आपको फर्स्ट प्रीमियम होगा वो ऑन द स्पॉट देना पड़ेगा, तभी आपका पॉलिसी होता है वो शुरू होता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कम से कम होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बाकी इंश्योरेंस कंपनी, अगर जिस कंपनी से टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं उस कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको पॉलिसी ले सकते हैं। अब आप पूछेंगे आप पॉलिसी कहाँ से ले सकते हैं, दोस्तों तो इंडिया की जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। हर इंश्योरेंस कंपनीज लगभग आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान दे देती है एनआरआई के लिए। और अगर एनआरआई चाहते हैं अच्छे टर्म प्लान लेना, दोस्तों मैं किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एडवोकेट नहीं हूँ, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट नहीं हूँ, मैं कोई इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हूँ। हालांकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर, जिनसे मैंने सुना है उनके आधार पर, जितना मैंने रीड किया उसके आधार पर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मोस्ट पॉपुलर जो प्लान्स है उनसे जरूर लें। मोस्ट पॉपुलर जो एनआरआई के बीच में प्लान्स है वो एलआईसी का टर्म प्लान है, एचडीएफसी लाइफ का टर्म प्लान है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का टर्म प्लान है, मैक्स लाइफ का टर्म प्लान है और कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान है। इन कंपनीज के टर्म प्लान है काफी अच्छे हैं। बाकी कंपनीज के टर्म प्लान है उनके वीडियोज भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इन टर्म प्लान के एलआईसी टेक टर्म, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और कोटेक लाइफ इंश्योरेंस के टर्म प्लान के वीडियोज भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूँ, आप वहां से भी लिंक्स में जाकर के इनके टर्म प्लान के बारे में डिटेल में जान सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सुझाव दीजिए, आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए दोस्तों। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप जिस भी कंट्री से दोस्तों देख रहे हैं वहां के दोस्तों के साथ अपना वीडियो है वो शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारे देश का जो वीडियो जो है उसको बढ़ावा मिले, हमारे चैनल को फॉरेन में और ज्यादा बढ़ावा मिले। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी।